देखिए सोलर को धोना बहुत ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम। अगर इसके ऊपर मिट्टी जम जाएगी तो मिट्टी जमने से जो इसकी पावर है वो कम हो जाएगी। इसके मतलब है कि जो जितनी बिजली ये पैदा कर सकता है ये कम बिजली पैदा करेगा। और ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें 25 साल की नॉर्मली सोलर की लाइफ रहती है, तो 25 साल के अंदर आप देखेंगे अगर मिट्टी जमी रहेगी तो आपको एक बहुत बड़ा मतलब हज़ारों लाखों में अगर आपको नुकसान हो सकता है। तो इसको साफ़ करना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे साफ़ करना है। जी मोटर चला दीजिए प्लीज़। पानी से आप इसको इजीली साफ़ कर सकते हैं, पानी का प्रेशर मारिए मिट्टी ऊपर से हट जाती है। ये देखिए ये कबूतर की कुछ बीट होती हैं, तो पहले उसको गीला कर लीजिए जिससे कि वो हटने में आसानी हो जाए। ये डिपेंड करता है, जैसे ये सोलर जो है ये तो 7-8 फीट ऊंचा लगा हुआ है, अगर आपका सोलर नीचे है तो आपको धोने में आसानी होगी, बट अगर इतना ऊंचा सोलर है तो इसके लिए आपको सीढ़ी की ज़रूरत भी हो सकती है। कहीं पाइप मुड़ी तो नहीं थी? नहीं। इसके लिए आप चाहें तो किसी प्रेशर पंप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आपके घर में अगर अच्छा प्रेशर पानी आ रहा है, मोटर लगी है, टुल्लू पंप है, तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। मकसद है कि पानी प्रेशर से आना चाहिए।